बोलो। सितंबर 2020 का पेपर डाउनलोड कर लो सब लोग। सितंबर 2020 IFOA पास्ट पेपर्स। सितंबर 2020 CS1B क्विकली। चलो I'll share my screen. हाँ स्टार्ट करें। हाउ मेनी क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चंस आर देयर। लेट्स ट्राई टू कंप्लीट द एंटायर थिंग विद इन द गिवन टाइम ऑफ 1 आवर 50 मिनट्स। नहीं तो 2 आवर्स लगेगा क्योंकि हम डिस्कस करके करते हैं। तो ठीक है चलो स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग करना स्टार्ट करो इसे। हाँ ओके। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एन एम्प्लॉय एट अ कैफे हैज बीन ट्रेन्ड टू सेट द कॉफी मशीन सो दैट एन एस्प्रेसो कॉफी पोर्शन रिजल्ट्स इन 2 ग्राम्स ऑफ कॉफी बीइंग प्लेस्ड इनटू अ कप। नोइंग दैट वेरिएशंस आर एक्सपेक्टेड द एम्प्लॉय पोर्स 8 पोर्शंस एंड मेजर्स द अमाउंट टू बी ऑल दीज अमाउंट्स। ठीक है। द डेटा एंटर्ड इन टू आर यूजिंग द फॉलोइंग कोड। तो ये वाला अपने क्विकली आर में डाल लेंगे। ओहो पार्ट स्क्रिप्ट मैंने बना लिया है। पहले स्क्रिप्ट में आंसर 1। कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। दिस इज वेरी बेसिक। ये हमने डाल दिया। पार्ट 1 में बोल रहे कैलकुलेट द 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन साइज ऑफ एस्प्रेसो कॉफी पोर्शंस। कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है क्या? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन यस और नो? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है कि नहीं? आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू रिप्लाई टूडे प्लीज। नो मैम। तो कैसे करेंगे? कौन सा नो मैम। टेस्ट? टी डॉट टी टेस्ट। डॉट टेस्ट। वेरी गुड। टी डॉट टेस्ट से आपका आ जाएगा। आपको फ्रॉम स्क्रैच निकालने का जरूरत नहीं है। जब आपके पास एक फंक्शन है तो आप क्यों निकालोगे, है ना? तो आप हम लिख देंगे अमाउंट्स कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है हमारा 0.95 सॉरी 0.80 एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा एंड दिस इज द आंसर। सो यू विल पेस्ट दिस इंटायर थिंग इन टू योर वर्ड
क्या बोल रहे हैं, मैं आज दिखा भी दूंगी एक आंसर, मैंने फर्स्ट क्लास में भी दिखाया था वैसे तो हमारा पी वैल्यू हमारा ये हो गया हमारा 80%, कॉन्फिडेंस इंटरवल येस और नो, तो आप लोग लिख दोगे 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज गिवन बाय 1.835 या 836 कॉमा 1.954। डू वी नीड टू मेंशन द अजम्पशन? नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे दे विल आस्क यू स्टेटिंग अजम्पशंस, ठीक है, तो ज्यादा मार्क्स का है नहीं, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर। नेक्स्ट इज कमेंट ऑन वेदर द मीन प्रपोर्शन इज इक्वल टू टू, तो क्या इसमें टू आ रहा है, इसमें टू आ रहा है, टू इज नॉट देयर इन द इंटरवल, सो देयरफॉर द हाइपोथेसिस दैट द मीन ग्राम द मीन पोर्शन द मीन साइज द मीन पोर्शन वॉट एवर ऑफ 2 ग्राम इज रिजेक्टेड एट वॉट परसेंट, रिजेक्टेड एट 80%। 80% कॉन्फिडेंस बोल सकते हो या फिर 20% सिग्निफिकेंस लेवल भी बोल सकते हो, कितना बोल सकते हो, 20% सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है, येस और नो, इसको लिख लो विथ कमेंट। अभी हो रहा है 10:28, लेट्स ट्राई टू फिनिश इट बाय 12 एटलीस्ट, है ना, कर सकते हैं, मैं भी नहीं उठूंगी, आप लोग भी नहीं उठोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ रिसर्चर हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा ऑन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिगार्डिंग वेदर दे पास और फेल्ड एन एग्जाम एंड वेदर और नॉट दे अटेंडेड ट्यूटोरियल्स। तो क्या दिया हुआ है, देखो, अटेंडेड ट्यूटोरियल्स, एग्जाम पास एंड फेल्ड, तो 132 स्टूडेंट्स पास है, 27 फेल्ड है, डिड नॉट अटेंड एंड पास, डिड नॉट अटेंड एंड फेल्ड, तो ये पूरा हम लोग को डेटा गिवन है। द डेटा कैन बी एंटर्ड इन टू द आर यूजिंग फॉलोइंग मेट्रिक्स। नाउ अगेन, अगर ये मेट्रिक्स फंक्शन नहीं दिया हुआ होता, आई होप ऑल ऑफ यू ऑल कैन राइट द मेट्रिक्स फंक्शन खुद से। ये हम लोग जो लिखते हैं 132, 120 इज ऐसे जाता है, याद है, हम लोग बाय रो इक्वल्स ट्रू करते हैं, अगर बाय रो इक्वल्स ट्रू करोगे तो ऐसे जाता है, बट क्योंकि हम बाय रो इक्वल्स ट्रू नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। सब मेरे साथ साथ करेंगे, हमारा टारगेट है कि हम सारे पास्ट पेपर्स को खत्म करें इन क्लास। आई वॉन्ट टू सी आप लोग कितने फास्ट हो एंड आपका कॉन्सेप्ट कैसा है। चलो, जो इसको हम लोग क्विकली कॉपी करेंगे एंड इधर जाके आंसर टू है ये हमारा, इसको मैंने पेस्ट कर दिया, तो या अच्छा अब मैं आंसर टू दिखा दूंगी आप लोगों को कैसे। तो मैं एक काम कर रही हूँ, मैं ये ब्रूम स्टिक यूज करके पूरा हटा रही हूँ एक बार के लिए। सो नाउ इफ आई रन दिस, तो ये आ गया ऊपर एग्जाम डॉट सक्सेस। अगर आपको इसका वो निकालना है मेट्रिक्स, तो देख लो ऐसा मेट्रिक्स वो दिख रहा है। रो नेम्स कॉलम नेम्स कुछ दिया नहीं है बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। नाउ फर्स्ट पार्ट इज द रिसर्चर वॉन्ट्स टू एस्टेब्लिश वेदर द ट्यूटोरियल अटेंडेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जाम सक्सेस यूजिंग अ काई स्क्वेयर टेस्ट। तो अब हम लोग को क्या बोला है, पहला क्वेश्चन, स्टेट द हाइपोथेसिस ऑफ दिस टेस्ट। तो हाइपोथेसिस क्या होगा, नल हाइपोथेसिस होगा ट्यूटोरियल अटेंडेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जाम सक्सेस एंड अल्टरनेटिव होगा कि इज डिपेंडेंट ऑफ एग्जाम सक्सेस। वेरी गुड, तो आपको दोनों लिखना है, तो आप लोग कैसे लिखोगे, द नल हाइपोथेसिस इज दैट ट्यूटोरियल अटेंडेंस is independent of exam success, full stop. Next line, the alternative hypothesis is that they are not independent, khatam, ya fir wo copy paste karke not independent kar do. Very good, you get your 2 marks. Next, calculate the expected frequency for the data under the null hypothesis in part 1. To kaise nikalenge, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, मैम रो टोटल इनटू कॉलम टोटल बाय टोटल टोटल। वेरी गुड, कौन नहीं है, कौन बोल रहा है, फिर से हैंड रेज करो, तो कौन, किसने आंसर किया, पढ़ने का ने, वेरी गुड पढ़ने का। तो बाकी सब क्या कर रहे हैं, नो वन एल्स इज रिप्लाइंग। रो टोटल
इनटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल। अब हम लोग यहाँ पे आप तो आप दो तरीके से कर सकते हो, आप रो सम्स कोल सम्स करने से हम लोग का रो टोटल कॉलम टोटल आता है, तो ये हो जाएगा आपका रो सम सॉरी कॉलम सम, ये हो जाएगा आपका रो सम इनटू आपका पूरा टोटल। आप वैसे भी कर सकते हो, या फिर हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं यहाँ पे टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में, क्विकली बोलो, काई स्क्वेयर टेस्ट करते हैं। तो जब आप लोग काई स्क्वेयर टेस्ट करते हो तो उसमें ना आपका जो आउटपुट आता है, उसमें जो आपका आउटपुट आता है वो आपके एक्सपेक्टेड वैल्यूज भी आते हैं उधर। तो इंस्टेड हम काई स्क्वेयर टेस्ट करेंगे एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इट्स बेटर एंड इजियर रादर देन डूइंग इट पूरा खुद से, मतलब निकालने से बेटर रहेगा वो चीज। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे काई स्क्वेयर डॉट टेस्ट। आप यहाँ लिख सकते हो रनिंग अ काई स्क्वेयर टेस्ट फॉर द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। तो हम काई स्क्वेयर टेस्ट करेंगे एंड उसके बाद हम क्या करेंगे बोलो, उसके बाद क्या करेंगे, क्या देते हैं इसमें, एग्जाम डॉट सक्सेस मैट्रिक्स। खाली मैट्रिक्स देखो, एक्स एंड वाई दे सकते हो, या फिर इफ इट्स अ मैट्रिक्स तो आप या तो मैट्रिक्स खाली दोगे, तो हम लोग के पास मैट्रिक्स है। सो एग्जाम डॉट सक्सेस हो गया हमारा मैट्रिक्स, ये हम जब रन करेंगे तो हमारा ये आता है पी वैल्यू एंड ऑल दैट। तो हम इसमें ना डॉलर लगा के, क्योंकि मैंने आप लोगों को आउटपुट नीचे दिखाया था कि एक्सपेक्टेड बोल के एक आउटपुट है, तो एक्सपेक्टेड बोल के जो आउटपुट है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। दिस इज हाउ यू गेट योर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देख लो एंड यू विल पेस्ट द आंसर ऐसे पूरा। The expected frequency is given by, and you paste this. Next. नेक्स्ट बोल रहे हैं परफॉर्म द टेस्ट, परफॉर्म द टेस्ट स्टेटिंग क्लियरली योर कंक्लूजन। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको टेस्ट क्या करना है, आप ये वाला आप टेस्ट करोगे, ये वाला आप टेस्ट करोगे, है ना। तो इसको आपको रन कर देना है टेस्ट को एंड आप क्या आउटपुट डालोगे, ये वाला पूरा। एक चीज है इसमें लिखा हुआ है विथ ये कंटिन्यूटी करेक्शन। तो क्या हम लोग इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, कोई बता सकते हैं, ये जो हम लोग कर रहे हैं कंटिंजेंसी टेबल टेस्ट। कंटिंजेंसी टेबल टेस्ट, तो कंटिंजेंसी टेबल टेस्ट में क्या हम लोग कभी भी कंटिन्यूटी करेक्शन करते हैं, यस और नो? अनलेस एंड अंटिल इट्स गिवन, हम लोग कंटिन्यूटी करेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, हाउएवर अगर आप ये चीज करते हो, आप सिंपली ऐसे अपना आंसर डालते हो, दे विल नॉट डिडक्ट योर मार्क्स। बट क्योंकि हम लोग को पता है कि हम कंटिंजेंसी टेबल में, वेरी गुड मुस्कान, हम लोग नहीं करते कंटिन्यूटी करेक्शन, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, करेक्ट इक्वल्स फॉल्स, करेक्ट इक्वल्स फॉल्स। अब ये हमारा करेक्ट आंसर है, सो दिस इज द पी वैल्यू। नाउ दिस इज द P value which is less, ऊपर वाले में जब expected करेंगे तो उसमें भी उसमें फर्क नहीं पड़ेगा ना, देख लो उसमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंड एनी विच वे दोनों केसेस में हमारा टेस्ट फेल हो रहा है, इट्स बिलो 5%, सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड वी कंक्लूड दैट द वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड व्हाट डू यू कंक्लूड, दैट द ट्यूटोरियल अटेंडेंस and exam success are not independent. ठीक है, we reject the null hypothesis and we state that the tutorial attendance and exam success are not independent. बोलो क्या बोल रहे। ठीक है, clear? आप लोग को लिखना है, if you all are not writing then it's wrong. आप लोग को यहाँ पे लिखना है the p value is less than
अच्छा सिग्निफिकेंस लेवल बोला नहीं है कुछ क्वेश्चन में, लेस देन 5%, देयरफॉर देयरफॉर वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड वी कंक्लूड सो एंड सो। अब मैं क्या करूंगी एक बार देख लो, फिर मैं टाइम दूंगी करने का। मैं ना ये ब्रश से, क्योंकि मैंने ये दो तीन बार रन किया एक एक चीज, तो मैं इसको मिटाऊंगी पहले तो ब्रश से पूरा, एंड फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं पूरे स्क्रिप्ट को दोबारा से रन करूंगी। फिर यहाँ पे आ गया आउटपुट, अब इसको कंट्रोल सी करके वर्ड में जाके आई विल पेस्ट दिस। तो देखो ब्लू ब्लैक में कितने अच्छे से आ गया विथ प्रॉपर मार्क प्रॉपर नंबरिंग ऑफ द क्वेश्चन। मैम इफ एग्जाम में से ब्लू कलर में हो जाए तो उससे कोई इश्यू नहीं है? बल्कि अच्छा है, समझ में आएगा एग्जामिनर को कौन सा कोड है कौन सा आउटपुट है। आप लोग का मन करे कि आप लोग को कमेंट वर्ड में लिखना है, आर में लिखने में डिफिकल्टी हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग कमेंट डाल सकते हो। ठीक है, एंड नया क्वेश्चन हम नए पेज से पेस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A machine in a sweet factory fills bags of sweets to weigh 500 grams. The actual weight of the sweet bags is known to follow normal distribution. The sweet manufacturer believes that the machine is underfilling the sweet bags. A sample of 10 bags is taken and weighed as summarized below. तो ये हम लोग को bag दिया, basically क्या दिया हुआ है, ये 10 sweet bags हैं and मशीन जो बैग्स हैं वो फिल होके आते फैक्ट्री से, तो अप्रोक्सीमेटली हम बोलते हैं सारे 500 ग्राम के होने चाहिए, बट ऑब्वियसली देयर इज सम ऊपर नीचे का एरर तो होता ही है ना, एग्जैक्ट 500 तो नहीं होगा बिकॉज मे बी वो स्वीट्स नंबर ऑफ स्वीट्स डाल रहे हैं, तो कुछ स्वीट बड़ा बन गया कुछ छोटा बन गया, तो कुछ उस तरीके से अगर हम लोग समझे तो अप्रोक्सीमेटली सारे का हमने वेट निकाला है, हमने बोला है द मीन शुड बी 500 ग्राम्स, दैट इज व्हाट यू एक्सपेक्ट। Now this can be entered into the R using following code. तो अपने इसको copy paste कर देंगे answer 3. ये अपना weight हो गया. First part, perform a suitable t-test to determine whether the sweet bags are being consistently underfilled. Stating the hypothesis and level of significance used in the test. क्या करना है बताओ इसमें? मैम यहाँ पर null hypothesis रहेगा that mu is 500 grams और alternate रहेगा कि mu is less than 500 grams. Very good, very good, very good मुस्कान and very good I think पढ़ने का ने आंसर किया. Very good, हम लोग का null hypothesis is that mean of sweet bag या mean weight of sweet bag is equal to 500 grams and alternative hypothesis is mean weight of sweet bag is less than 500. क्यों less than and not equal to वाला चीज क्यों नहीं है, क्योंकि question में बोल रहे हैं हम लोग को किस चीज का डर है, हम लोग को डर है कि वो underfill तो नहीं हो रहा। क्या होता है देखो, आप किसी को स्वीट दे रहे हो 500 ग्राम्स का बोल के बेच रहे हो, उससे ज्यादा होगा तो वो कंप्लेन नहीं करेगा, बट उससे कम होगा तो वो कंप्लेन फॉर श्योर करेगा, है ना। सो हम लोग को उस चीज का डर है, तो आपको क्लियरली लिखना है द नल हाइपोथेसिस। आप लोग क्लियरली लिखोगे पार्ट वन में द नल हाइपोथेसिस इज दैट द मीन वेट ऑफ स्वीट बैग इज इक्वल टू 500 ग्राम्स फुल स्टॉप। नेक्स्ट The alternative hypothesis of mean is that the mean weight of sweet bag is less than, ठीक है। तो आप लोग को words में लिखना है। I think मुस्कान ने ऐसे मुझे करके भेजा है, मैं ये एक बार copy कर रही हूँ, but although it's better कि हम उसको words में लिखें, तो आप उसको words में लिखोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन सा टेस्ट करना होगा, टी टेस्ट ही करना होगा, बट हम लोग को वन साइडेड टी टेस्ट करना है, कुछ बोला नहीं है तो 95% कॉन्फिडेंस पे करेंगे। तो लिखो रनिंग
रनिंग वन साइडेड टी टेस्ट, रनिंग वन साइडेड टी टेस्ट, विथ 95% कॉन्फिडेंस लेवल, 95% कॉन्फिडेंस लेवल, वेट हो गया। अब यहां क्या देंगे, क्या देंगे नेक्स्ट? ऑल्टरनेटिव इक्वल्स लेस, ठीक है, ऑल्टरनेटिव इक्वल्स लेस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट आपका टू साइडेड होता है, तो अपने लेस करेंगे। और क्या देंगे, क्या अपना म्यू जीरो है? हैं? नो मैम, म्यू इज 500 देंगे। वेरी गुड, म्यू इज 500 देंगे, ठीक है, क्योंकि म्यू अपना जीरो नहीं है, तो म्यू अपने 500 देंगे। क्लियर है सबको? यस और नो? तो ये हो गया अपना, देखो वन सैंपल टी टेस्ट हो गया, ये पी वैल्यू क्या आ रहा है, 28%, यस, विच इज ग्रेटर देन 5%, इनसफिशियंट एविडेंस टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, एंड सो वी कैन से दैट मीन वेट ऑफ, वेरी गुड, मीन वेट ऑफ, मीन बैग्स आर नॉट अंडरफिल्ड, ठीक है, बट हम लोग क्योंकि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करें, तो यूजली हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, एंड वी सी दैट द मीन वेट ऑफ स्वीट बैग्स इज इक्वल टू 500 ग्राम्स, फुल स्टॉप। आप लोग ये भी दे सकते हो दैट इट्स नॉट नॉट लेस देन 500 ग्राम्स। यू विल अगेन रिपीट इट मुस्कान, बट यहां पे एटलीस्ट यू नीड टू राइट वन लाइन, राइट, क्योंकि आपने सिग्निफिकेंस लेवल, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में बोला है स्टेटिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टू बी यूज्ड, तो आप लोग लिखोगे ना द टेस्ट इज परफॉर्म्ड एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल, ये वर्ड आपको लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली, द टेस्ट इज, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन में बोला है, क्योंकि ये चीज क्वेश्चन में क्लियरली इसमें बोला है कि स्टेट द सिग्निफिकेंस, एंड देन यू विल से द पी वैल्यू इज दिस मच, हेंस वी कैन नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, इट्स ग्रेटर देन 5%, हेंस वी प्रपोज एन इंटरप्रिटेशन। तो अब वापस से भी आप लिख सकते हो उसी को, बट आप क्या बोलोगे कि सिंस वी कैन नॉट रिजेक्ट, यहां आपको दो लाइन और एक्स्ट्रा आप लिख दोगे ना कि सिंस वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, हेंस we can say that the mean weight of sweet bags is 500 grams and so we can say that it is not less than 500 grams. Aur ek cheez aapko question mein bola hai to check whether there is any evidence that it is underfilled, theek hai, to check whether there is any evidence of underfill, तो आप लोग clearly बोलोगे there is no evidence, there is insufficient evidence, या फिर there is no evidence that the sweet bags are being underfilled, ये एक line additional आपको लिखना है, there is no evidence या फिर insignificant evidence that the sweet bags are being underfilled. ठीक है, डन, क्वेश्चन 4 सब लोग लिखोगे इसको, क्वेश्चन 4 थोड़ा बड़ा है, डेटा वर कलेक्टेड
ध्यान से रीड करते हैं. डेटा वर कलेक्टेड ऑन एवरेज अल्कोहल एंड सिगरेट कंजम्पशन पर अडल्ट पर ईयर फॉर अ नंबर ऑफ कंट्रीज. द डेटा आर गिवन इन द फाइल स्मोकिंग डेटा डॉट आर डेटा. तो आर डेटा का फाइल है, अपने इसको इम्पोर्ट कर लेंगे. एंड कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. तो हम लोग को क्या क्या गिवन है, कंट्री, एल्कोहल, कंजम्पशन पर अडल्ट पर ईयर, लीटर्स पर अडल्ट पर ईयर है. एंड सिगरेट्स हो जाएगा नंबर ऑफ सिगरेट्स कंज्यूम्ड पर ईयर. ठीक है. कंस्ट्रक्ट अ स्कैटर प्लॉट विथ एल्कोहल. तो पहले एक काम करते हैं, पहले तो इसको इम्पोर्ट करते हैं. तो मैं इस डेटा को ले जाऊंगी इन माय. आप लोग को बेसिकली क्या करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल करना है. सब कुछ आपका या तो डेस्कटॉप या डाउनलोड्स कहीं भी एक्सट्रैक्ट हो चुका है, क्योंकि जिप फाइल से आप कभी भी जिप फाइल से आप नहीं ले सकते. ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में नहीं तो आपको बहुत इश्यू होगा. आप सोचोगे क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा. अब इसको कैसे कॉपी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी, इस पे क्लिक करके, वन सिंगल क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट सी करने से इसका फाइल पाथ कॉपी हो जाएगा. ठीक है. एंड इसको हम लोग लोड कर लेंगे. सो यू जस्ट नीड टू पास लोड. इसको किसी में डालने का जरूरत नहीं होता है लोड फंक्शन को, क्योंकि लोड जब आप करते हो ऑटोमेटिकली आपका, मैं एक बार इसको हटाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, रुको, इसको भी मैं हटा लेती हूँ. अब मैं जब इसको रन करूंगी, देखो, तो अपने आप ही तीनों एल्कोहल, सिगरेट्स एंड कंट्री आ गया है. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड ये सब लिखा हुआ है. बोलो. लोग कभी कभी लोड फंक्शन यूज करते हैं, कभी लाइक रीड डॉट टेबल. तो जैसे इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा फंक्शन यूज करना है? ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया भूमि तुमने, बेसिक्स क्लास का. कौन रिप्लाई करेगा इसका आंसर का, बताओ. मैम खुशी 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 बताएगी, खुशी बताओ. मैम रीड डॉट टेबल हम लोग टेक्स्ट डेटा के लिए करते हैं, और रीड डॉट सीएसवी हम लोग सीएसवी फाइल्स के लिए करते हैं, और ये जो है ये आर डेटा है, मतलब यानी कि आर का फाइल है, इसलिए हमने लोड फंक्शन यूज किया. क्लियर है भूमि? डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फाइल. ये आर डेटा फाइल है, तो आर डेटा फाइल के लिए लोड फंक्शन. अगर इट्स अ सीएसवी तो रीड डॉट सीएसवी, इफ इट्स अ टेक्स्ट फाइल देन इट्स रीड डॉट टेबल. गॉट इट? चलो, रटना नहीं है, चीजों को समझना है. बोलो, कंस्ट्रक्ट स्कैटर प्लॉट, कंस्ट्रक्ट स्कैटर प्लॉट ऑफ डेटा विथ एल्कोहल कंजम्पशन ऑन द एक्स एक्सिस. तो वाई एक्सिस पे क्या डालेंगे? हाँ, सिगरेट्स, क्योंकि आप कंट्रीज तो कुछ प्लॉट वैसे नहीं कर सकते ना. तो हम लोग सिंपली प्लॉट, स्कैटर प्लॉट का मतलब ही डॉटेड वाला होता है. तो अल्कोहल ऑन, अल्कोहल ऑन द एक्स, सिगरेट्स ऑन द वाई. वंस यू रन इट एंड देन वील सी कि इसमें अपने क्या क्या एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं. सो दीज आर गिवन. नाउ यू कैन जस्ट रीनेम इट एंड एवरीथिंग. पीसीएच आई लाइक टू यूज 19 और 20. 19 थोड़ा बड़ा होता है, 20 थोड़ा छोटा होता है. टाइटल क्या दोगे? टाइटल अल्कोहल वर्सेस सिगरेट्स. यस, ठीक है, अल्कोहल वर्सेस सिगरेट्स. पर यहाँ पे एक्स लैब एंड वाई लैब भी देना होगा. टोटल आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहला पार्ट इज 3 मार्क्स. तो आपको बताना होगा एक्स लैब एंड वाई लैब क्या है. एक्स लैब में क्या दोगे, एक्स लैब में क्या दोगे? ये पूरा आपका एक्स में चला गया. और ये पूरा आपका वाई में चला गया. देख लो, टाइटल मैंने दिया नहीं, आप लोग दे दोगे. अल्कोहल कंजम्पशन पर अडल्ट पर ईयर. पर ईयर का जरूरत है नहीं, बिकॉज यहां ऑलरेडी लीटर्स पर ईयर लिखा हुआ है. नंबर ऑफ सिगरेट्स पर अडल्ट पर ईयर. कंज्यूम्ड हटा सकते हो, थोड़ा बड़ा लग रहा है इसीलिए मैं कर रही हूं, वरना कोई इशू नहीं है.
ठीक है, टाइटल दे दोगे एंड आपको प्लॉट कैसे पेस्ट करते आता है ना सबको, प्लॉट कैसे पेस्ट करते सबको आता है आई एम श्योर, नहीं आता तो देख लो, एक्सपोर्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये हो गया कॉपी प्लॉट, जाओ ऐसे हर कहीं नहीं पेस्ट करना है, पेस्ट एज पिक्चर, ठीक है, ऐसे हर कहीं नहीं पेस्ट करना है, आपको उसी क्वेश्चन में नीचे में पेस्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक बार दोबारा रन करती हूँ पूरे को, ठीक है ना, तो ये आया, इसको मैं ऐसे कॉपी करूंगी पेस्ट, एंड क्योंकि ये इसी आंसर का पार्ट है तो यहां पे ये मैंने टाइटल नहीं दिया, आप लोग दोगे, इसको एज पिक्चर पेस्ट कर दूंगी, देख लो एक बार ट्राई कर लो सब लोग, पेस्ट होता है कि नहीं. एक बार सब यस लिखेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगी. अब नेक्स्ट, कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा ऑन अल्कोहल एंड सिगरेट कंजम्पशन. तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कौन कमेंट करेगा, कोई भी एक जन कमेंट करो तो देखते तुम लोग कैसे कमेंट करते हो. देयर सीम्स अ पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स व्हिच सजेस्ट दैट अल्कोहल कंजम्पशन पर लीटर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सिगरेट्स आल्सो इंक्रीजेस साइमल्टेनियसली द डेटा पॉइंट्स सीम क्वाइट स्कैटर्ड दस द रिलेशनशिप इज क्वाइट वीक. वेरी गुड, वेरी गुड. देयर सीम्स अ पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड हाउएवर रिलेशनशिप रिलेशनशिप सीम्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो क्या बोलोगे ना, यहाँ पे पहली एक चीज आप लोग ने मिस आउट करा, आप लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स बोले, आप लोगों ने, मैं कीवर्ड्स लिख रही हूँ, खाली पॉजिटिव बोला, वीक रिलेशनशिप बोला, बट किसी ने लीनियर वर्ड क्यों नहीं यूज किया, कैन यू टेल मी. मैंने लीनियर बोला था. अच्छा तुमने बोला था, ठीक है, तो आपको लीनियर वर्ड बोलना है, दैट वी कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोल सकते हो वी कैन सी अ पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन द अल्कोहल कंजम्पशन एंड द सिगरेट कंजम्पशन. नाउ द ओवरऑल शेप, द ओवरऑल शेप ऑफ द स्कैटर प्लॉट सजेस्ट दैट द रिलेशनशिप इज लीनियर. 3 मार्क्स है ना, तो 3 पॉइंट लिखते हैं, ठीक है. दूसरा हम लोग बोलेंगे, आप लोग जो बोल रहे हो ना वीक रिलेशन, ये वीक रिलेशन का आपको कहां से बताना है, वीक रिलेशन कि ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं, 2 पॉइंट्स जो दिख रहे हैं, द हाउएवर देर आर 2 पॉइंट्स विच आर, हाउएवर द 2 पॉइंट्स खाली, हाउएवर द 2 पॉइंट्स विच आर फॉलिंग फार फ्रॉम द अदर पॉइंट्स, ऐसे बोल सकते हो, या फिर विथ एक्सेप्शन ऑफ 2 पॉइंट्स इट इंडिकेट्स. यहाँ पे एक्चुअली क्या इंडिकेट करे, जैसे ये वाला पॉइंट इंडिकेट करे कि इसका अल्कोहल कंजम्पशन मॉडरेट है बट ये बहुत हाई है आपका नंबर ऑफ सिगरेट्स, एंड इसका ऑल दो अल्कोहल कंजम्पशन बहुत कम है बट नंबर ऑफ सिगरेट्स इज कंपेरेटिवली हाई, सो विथ एक्सेप्शन ऑफ 2 पॉइंट्स वी कैन से दैट द, बिकॉज ऑफ दीज 2 पॉइंट्स वी कैन से दैट द रिलेशनशिप माइट बी अ लिटिल, नॉट माइट बी स्ट्रॉन्ग, ऐसे बोलना, वीक मत करो और वेरी वर्ड मत यूज करो, नॉट माइट बी स्ट्रॉन्ग ऐसे यूज करो.
एंड इसका एक चीज और है, जैसे ये कंट्रीज है ना, तो ये जो कंट्री है हो सकता है इसमें जो हाई एवरेज सिगरेट कंजम्पशन है बट अल्कोहल उतना नहीं है, और इधर अल्कोहल उतना नहीं है बट सिगरेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द डेटा ऑन अल्कोहल एंड सिगरेट कंजम्पशन। तो कैसे निकालेंगे पियर्सन कोर फंक्शन कोर अल्कोहल सिगरेट्स, एंड जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट द मेथड इज पियर्सन, बट हम लोग मेंशन कर सकते हैं, मेक श्योर यू गो एंड चेक द हेल्प टैब इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन। सो यू विल से दैट द पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज व्हाट, व्हिच इज नॉट वेरी हाई, व्हिच सजेस्ट कि हमने प्लॉट में जो बोला वो सही बोला था, लिखने की जरूरत नहीं है बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इट्स नॉट वेरी क्लोज टू वन, 0.485 इज नॉट वेरी क्लोज टू वन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन। अच्छा, द एन एनालिस्ट सजेस्ट यूजिंग द फॉलोइंग आर कोड टू मॉडिफाई द डेटा। तो ये हम लोग को आर कोड दिया हुआ है, इसको यूज करके हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग अपने डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्सप्लेन व्हाट द अबव कोड डज एंड गिव अ जस्टिफिकेशन फॉर इट्स यूज। तो सबसे पहले तो इसको अपने रन करके देख लेते हैं एंड फिर उसके बाद हम लोग इसका जस्टिफिकेशन देंगे। सबसे पहले तो बताओ व्हाट इट डज, ये पहला हो गया, एंड व्हाई इट इज मेकिंग सेंस टू डू मैम, दिस। इसने दो पॉइंट्स रिमूव करे हैं हमारे, और कौन वो से दो हमने पॉइंट? सीखी है 6 एंड 16 है। वेरी गुड। तो आपको सबसे पहला बोला है कि ये कोड में क्या हुआ है, तो सबसे पहले आपको हमेशा ना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। एक्सप्लेन व्हाट द कोड डज एंड गिव अ जस्टिफिकेशन। 3 मार्क्स है, तो 1 मार्क फॉर दिस एंड 2 मार्क्स फॉर जस्टिफिकेशन। तो 1 मार्क के लिए आप लोग लिखेंगे द अबव कोड रिमूव्स द पॉइंट्स द 6th एंड द 16th पॉइंट्स फ्रॉम द सिगरेट एंड अल्कोहल डेटा, फुल स्टॉप, एंड इट क्रिएट्स अ न्यू वेक्टर, ऐसे करके भी बोल सकते हो। नाउ जस्टिफिकेशन, मैम, क्योंकि हमें स्कैटर प्लॉट जो बनाया था उसमें 2 पॉइंट्स आउटलायर दिख रहे थे, दैट्स व्हाई हमने हटाया, ताकि हम अपना डेटा ज्यादा इफेक्टिव बना सके। वेरी गुड। सो वी सॉ इन द प्लॉट दैट दीज टू डेटा सेट्स द 6th एंड द 16th पॉइंट, एंड हाउ डिड यू लाइक व्हेन यू आर सेइंग 6th एंड 16th, इट्स बेटर दैट वी डू वन थिंग। हम लोग ना वो रन करते हैं कंट्री वाला, कंट्री हम लोग रन करते हैं, तो कंट्री में देखो 6th कौन सा कंट्री आ रहा है, ग्रीस, और 16th है 13, 14, 15, 16 इज यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप लोग बोलोगे कि फ्रॉम द प्लॉट अबव वी सॉ दैट द टू कंट्रीज आर आउटलायर्स, ग्रीस एंड यूएसए। ठीक है, आप लोग देखो ये वाला में भी ग्रीस है या ये यूनाइटेड स्टेट्स है, वैसा वर्षा भी हो सकता है। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप लोग एक बार अल्कोहल रन करोगे, आप लोग अल्कोहल रन करोगे एंड सिगरेट्स रन करोगे, तो अल्कोहल में देखो क्या हुआ है, अल्कोहल का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6th पॉइंट 10.4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.3, तो 10.4 अल्कोहल, मतलब ये वाला ग्रीस है, 10.4 एंड 8.3 दिस इज ग्रीस, एंड 13 ना नहीं 16, 12, 13, 14, 15, 16 लास्ट पॉइंट 4.7 अल्कोहल, मतलब ये, एंड 4.9 सिगरेट्स। तो ये आपका यूएसए हो गया और ये आपका ग्रीस हो गया, तो ग्रीस एंड यूएसए। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो जस्टिफिकेशन में कि
from the plot above, we saw that the sixth point, which is ग्रीस, एंड ग्रीस का आप लोग वो दे सकते हो, ग्रीस का है एल्कोहल, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं 10.4 एंड फिर वाई एक्सिस लिखते हैं विच इज 8.3 एंड यूएसए 4.7 एंड 4.9 आर आउटलायर्स. यूज द वर्ड आप लोगों ने सीखा है आउटलायर्स. हेंस रिमूविंग दिस विल गिव अस अ बेटर लीनियर रिलेशनशिप अमंग द अदर पॉइंट्स. ठीक, ठीक है. नेक्स्ट, For the remainder of the question, use the modified data, which is alcohol 2 and cigarettes 2, as produced by applying the R code above. Construct the scatter plot. सबसे पहले जो नया डेटा सेट है ये हो गया आपका पार्ट ए. तो अपने क्या करेंगे, हम लोग बहुत स्मार्ट है, हम लोग ऊपर जाएंगे, हम लोग इसको कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे एंड यहां अपने alcohol 2 लिख देंगे एंड cigarettes लिख देंगे. इफ यू वॉन्ट इन द टाइटल, वट एवर टाइटल यू रोट, यू कैन से ब्रैकेट में जी आर ग्रीस कॉमा यूएसए रिमूव्ड. ठीक है, देख लो, मतलब ये पूरा आएगा एल्कोहल वर्सेस सिगरेट, एल्कोहल वर्सेस सिग ठीक है, देख लो. तो अब हम लोग को प्रॉपर क्लियर लीनियर रिलेशनशिप दिख रहा है यहां पे, यहां तक हो जाए तब सब लोग यस लिखना, फिर मैं पार्ट बी करूंगी इसका. ठीक है, बाकी सबका यस क्या हुआ? ओके, कैलकुलेट द पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑन द न्यू डेटा. तो सेम कोर 2 2 Not required, but ठीक है.
तो कितना अभी इंक्रीज हुआ, 0.45 था पहले, अब 0.86 हो गया। पार्ट सी कमेंट, तो आप लोग क्या बोलोगे, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंक्रीजेस व्हेन वी रिमूव द टू कंट्रीज विच वर प्रोड्यूसिंग व्हाट, लार्ज डिविएशंस इन योर आंसर, सो द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस, द रिमेनिंग पॉइंट्स हैव अ फेयरली स्ट्रॉन्ग लीनियर पैटर्न। यस, परफॉर्म अ हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर द नल हाइपोथेसिस दैट पियर्सन्स पॉपुलेशन कोरिलेशन इज इक्वल टू जीरो अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव दैट इट इज पॉजिटिव। यू शुड रिपोर्ट पी वैल्यू ऑफ द टेस्ट एंड अ क्लियर कंक्लूजन। तो आपका क्या टेस्ट है, नल हाइपोथेसिस क्या है और ऑल्टरनेटिव क्या है, क्विकली। रो इज इक्वल टू जीरो, रो इज ग्रेटर देन जीरो। वेरी गुड, सो द नल हाइपोथेसिस इज रो is equal to zero, alternative hypothesis is rho not equal to zero. आप ऐसे पूरा भी लिख सकते हो, correlation, Pearson's correlation coefficient is equal to zero. नहीं, आई greater than है ना, positive बोला है ना, तो कौन सा test? Co-dot test. को डॉट टेस्ट, जिसको याद नहीं है जिनको, वो यहाँ पे सर्च करेंगे जाके, को डॉट टेस्ट। पहला हो गया एक्स एंड दूसरा वाई, तो एक्स में अपने डाल देंगे अगेन अल्कोहल, टू सिगरेट्स, टू मेथड, अगेन आप लिखोगे, जरूरत नहीं है बट लिख सकते हो, पर्सन एंड क्या चेंज होगा, ग्रेटर। तो क्या आया हम लोग का, देख लो, ये हमारा टी वैल्यू है, ये हमारा पी वैल्यू है, ठीक है। सो पी वैल्यू इज इक्वल टू दिस विच इज व्हाट, sufficient evidence to reject H naught, so our पहले बोलो ना पूरा, इट इज लेस देन 5%, hence we have strong evidence, sufficient strong null. evidence to reject the null hypothesis, and we say that the Pearson's correlation coefficient is greater than zero या फिर is positive, ठीक है, is positive. एक्सक्यूज मी मैम, मैम अगर जैसे हमने पहले कॉर्डोट टेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद हमने डॉलर साइन यूज करके पी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर दी, तो हमें लिखना पड़ेगा दोबारा से कि पी वैल्यू ये है, कॉपी पेस्ट तो करना होगा आंसर में अलग से।
A media bulletin has reported that high alcohol consumption causes high cigarette consumption as well. Comment on whether this report is justified based on your analysis in part 4 and 5. Yes, ma'am, because strong positive linear relationship hai. Iska matlab hai ki... ठीक है, तो एक पॉइंट आप ये बोल सकते हो सिंस वी सी सिंस यहाँ पे भी फ्रॉम पार्ट 5 वी सी दैट द रिलेशनशिप इज पॉजिटिव, कोरिलेशन इज पॉजिटिव, हेंस देयर इज सम काइंड ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द अल्कोहल कंजम्पशन एंड सिगरेट कंजम्पशन. हायर द अल्कोहल कंजम्पशन, हायर द सिगरेट कंजम्पशन. बट क्या आपने एक चीज पढ़ा है? आपने एक चीज, मैंने क्लास में हमने डिस्कस किया था कॉज एंड इफेक्ट, या फिर एक वर्ड मैंने डिस्कस किया था, इफ यू आर रिमेम्बर, कॉजेशन डज नॉट मीन, कॉजेशन डज नॉट मीन व्हाट? डायरेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है, तो कॉजेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में हम लोग बोलते हैं कि कॉजेशन, अ पॉजिटिव कॉजेशन डज नॉट मीन, यहां पे बेसिकली कॉजेशन नहीं दिखा रहे, यहां पे आप पॉजिटिव एसोसिएशन दिखा रहे हो, तो आप बोलोगे अ पॉजिटिव एसोसिएशन या कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई, does not imply a positive, a cause and effect relationship, या does not imply causation. मतलब हो सकता है there is any third factor which is influencing these two. तो वो बढ़ा है तो ये दोनों भी बढ़ रहे हैं, वो गिरेगा तो ये दोनों भी गिरेगा. For example, जब हम लोग देखते हैं market में सारे shares बढ़ रहे हैं, तो सारे shares बढ़ते हैं, चाहे वो ITC है, चाहे वो आपका लेट्स सपोज, चाहे आपका कोई भी शेयर है, SBI है, बैंकिंग शेयर है, आपका IT शेयर है, अगर आपका होटल इंडस्ट्री का कोई शेयर है, वट एवर इट इज, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग. डज नॉट मीन दैट IT इंडस्ट्री का शेयर इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू अ होटल इंडस्ट्री का शेयर, टू अ कंज्यूमर गुड का शेयर, राइट? तो ये सेम चीज यहाँ पे है कि दोनों बढ़ रहे, डज नॉट मीन दैट देर इज अ कॉजेशन. सो अ पॉजिटिव कोरिलेशन लिख लो, डज नॉट इम्प्लाई अ कॉजेशन, या फिर अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन, कि एक बढ़ रहा दूसरा बढ़ रहा है, या फिर एक बढ़ रहा दूसरा गिर रहा है. ठीक है, क्लियर? इस आंसर में एक ट्विस्ट था, इस आंसर को मार्क, इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, लिख लो सेप्टेम्बर 2020 क्वेश्चन 4 पार्ट 6, तो आप लोग को याद रहेगा. परफॉर्म अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन ऑन द न्यू डेटा ऑफ दिस फॉर्म, सिगरेट कंजम्पशन वाई ऑन अल्कोहल कंजम्पशन एक्स एंड द एरो टर्म्स. तो आपका वाई वेरिएबल इज सिगरेट कंजम्पशन, तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ बोलो. तो आर कोड क्या हो जाएगा? लीनियर मॉडल ऑन सिगरेट्स टू टिल्ट अल्कोहल टू एंड क्या बोले, कैरी आउट द एनालिसिस. यू शुड शो द फिटेड लाइन प्लॉट ऑन द डेटा स्कैटर प्लॉट एंड रिपोर्ट द एस्टिमेट पैरामीटर ऑफ सिग्मा. तो इसका समरी रन कर लेंगे. मॉडल वन का जो ये इन्होंने सिग्मा बोला है ना, सिग्मा, वो सिग्मा कौन सा है, कोई बता सकते हैं मुझे? स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है, सिग्मा कौन सा हुआ?
कौन सा हुआ? वेरी गुड मुस्कान, चैट बॉक्स में उसने लिखा है रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरो, दिस इज योर सिग्मा। सिग्मा किसका होता है? एरो टर्म का ही तो होता है ना, एरो टर्म्स फॉलो नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर, तो एरो टर्म का ही तो हुआ ना। रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर का मतलब है एरो टर्म का सिग्मा, तो आप लोग लिखोगे द रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर और द पैरामीटर सिग्मा आपको लिखना पड़ेगा, और द पैरामीटर सिग्मा इज दिस 0.6288। नेक्स्ट आउटपुट भी हम लोग डाल देंगे। नेक्स्ट हम लोग को इसी प्लॉट के ऊपर एक लाइन बनाना है, तो कौन सा फंक्शन हमने किया है लास्ट? लाइन वेरी गुड, लाइंस। नहीं ए बी लाइन यूज करते हैं ना, क्योंकि ओके इंटरसेप्ट लाइन स्लोप लाइन लिए। है, क्योंकि ये आपका इंटरसेप्ट स्लोप, एक इंटरसेप्ट हो गया और एक आपका स्लोप हो गया, इंटरसेप्ट स्लोप लाइन है। तो सिंपली ए बी लाइन में आप लोग मॉडल, मैंने ये लास्ट क्लास दिखाया था, मॉडल वन लिख सकते हो, या फिर आप लोग इसको इक्वेशन को प्लॉट कर सकते हो यूजिंग लाइंस फंक्शन, जहां पे आप लोग एक्स एक्सिस में अल्कोहल दे दोगे, वाई एक्सिस में आप लोग वो पूरा इक्वेशन लिख दोगे। इसका अगर आपको विथ चेंज करना है एल डब्ल्यू डी आप टू कर सकते हो, ठीक है, एंड कलर आप इसको रेड दे सकते हो। तो ये आपका आ गया, तो ये सारे जो इसके साथ डिस्टेंस हो गया वो इसके एरर्स हो गए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। स्टेट द प्रपोर्शन ऑफ टोटल वेरिएबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स एक्सप्लेन बाय द मॉडल बेस्ड ऑन द आउटपुट। आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर की आर स्क्वायर? आर स्क्वायर सिंपल, तो ये वाला सो बेस्ड ऑन द मॉडल, बेस्ड ऑन द आउटपुट अबव द टोटल वेरिएबिलिटी पूरा लिखना होगा। द टोटल वेरिएबिलिटी ऑफ द रिस्पॉन्सेज एक्सप्लेन बाय द मॉडल इज 74.24%। ठीक है, पार्ट नाइन, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द रेसिडुअल्स ऑफ द मॉडल फिटेड इन पार्ट सेवन एंड अगेंस्ट द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। क्या करने बोला है? रेसिडुअल्स प्लॉट करने बोला अगेंस्ट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कौन सा हुआ? एक्स वेरिएबल मतलब अल्कोहल कंसप्शन, अल्कोहल, कौन सा फंक्शन? प्लॉट फंक्शन, प्लॉट अल्कोहल टू कॉमा कॉमा रेसिडुअल ऑफ वेरी गुड मॉडल वन। रेसिड या फिर रेसिडुअल्स, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। मॉडल वन टाइटल में लिख दोगे रेसिडुअल्स प्लॉट कॉम ब्रैकेट में अगेन ग्रीस कॉमा यूएसए ओमिटेड। एक्स लैब में हो जाएगा अल्कोहल पर अडल्ट पर ईयर लीटर्स पर ईयर, एंड वाई लैब में रेसिडुअल्स। मैं नहीं लिख रही हूं, आप लोग सब इसको अच्छे से लिखोगे, ठीक है। यहाँ रेसिडुअल्स आएगा खाली, यहाँ पे अल्कोहल पर अडल्ट पर ईयर ब्रैकेट में लीटर्स पर ईयर जो लिख रहे थे ऊपर से कॉपी पेस्ट करना है, एंड टाइटल में रेसिडुअल्स का प्लॉट है रेसिडुअल्स प्लॉट ब्रैकेट में जी आर कॉमा यूएसए ओमिटेड। इसको करो, ठीक
पार्ट 10 आ गया सबका। पीसीएच 19 कर सकते हो करना है तो। कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द मॉडल बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स, क्या बोलोगे? मैम से रेजिडुअल्स स्कैटर्ड है, जीरो से ऊपर नीचे इवनली स्प्रेड है, दस कोई पैटर्न नहीं है, नॉर्मेलिटी असम्पशन होल्ड ट्रू है, दैट्स व्हाई मॉडल इज गुड। देखो एक चीज बोल सकते हैं कि आपका जो वैल्यूज है वो आप बोल सकते हो कि क्लोज टू जीरो है, मतलब आप बोल सकते हो कि आपका जो एरर है वो आपका क्लोज टू जीरो जा रहा है, मतलब मीन ऑफ द एरर इज जीरो, ये हम लोग बोल सकते हैं, मीन ऑफ द एरर सीम्स टू बी क्लोज टू जीरो, ठीक है। बट एक चीज आपको अगर नोटिस आपको करो आप ढंग से, जैसे आपका तो बोल रहे हो स्कैटर्ड है इवनली, बट यहां देखो ये माइनस वन में एक या दो है, बट मोस्टली कितने वैल्यूज जो इंक्रीजिंग हो रहे हैं, देखो ऐसे जीरो के ऊपर ज्यादा है, तो आप लोग बोलोगे कि विथ वैल्यूज ऑफ एक्स देयर वेरियंस इंक्रीजेस, सो द मॉडल मे नॉट बी अप्रोप्रिएट। क्यों इट्स इंक्रीजेस? बिकॉज देर इज एन पैटर्न, देर इज अ पैटर्न विच वी सी। एंड अगर एक चीज और कर सकते अपने अपने सिंपली प्लॉट मॉडल 1.2, तो यहां थियोरिटिकल क्वांटाइल्स एंड नहीं टू नहीं करते अपने वन करते हैं, तो देखो फिटेड वैल्यूज एंड रेसिडुअल्स आ गया। Yes, तो देख रहे हो ये जो रेड लाइन है वो नीचे जा रहा है, सो बोल सकते हैं द वेरियंस इज नॉट कॉन्स्टेंट एज योर वैल्यूज ऑफ एक्सचेंजेस। ये तो चलो आपकी फिटेड वैल्यूज है फिर भी, बट ये जो रेड लाइन था वेरियंस वाला ये अपना कॉन्स्टेंट नहीं है, तो इंक्रीज डिक्रीज अगर नहीं भी लिखना ये एक बार चेक करके बोल सकते हो कि सिंस द वेरियंस इज नॉट कॉन्स्टेंट दिस मे सजेस्ट दैट द मॉडल इज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट। ठीक है, इसीलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि एक बार ना ये रन करके देख लेना। ओके मैम, नेक्स्ट। बाकी कोई कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। The waiting time random variable follows an exponential distribution with rate parameter, rate lambda parameterized as, तो ये हम लोग को दिया हुआ है PDF, हम लोग को पता ही होता है। The rate lambda has a gamma prior distribution, the lambda का lambda is not a constant, it follows gamma distribution with parameters alpha and s, a Bayesian credibility model provides that the posterior mean is 1 by lambda and can be expressed as this, where z is the credibility factor. ठीक है, ये वाला दिया हुआ है already. N number of past waiting time observed. Assume that the parameters alpha and s हम लोग को given है. Determine an estimate of the posterior mean of 1 by lambda, n is 10, by implementing 3000 simulations. मोंटे कार्लो repetitions का मतलब ही simulations है. मोंटे कार्लो आपको details भी नहीं जाना होता कभी भी, but मोंटे कार्लो का मतलब ही simulations होता है. तो 3000 simulations करना है, हर simulation में 10 is the sample size. Lambda का value कहाँ से extract होगा? कौन से distribution से होगा? पहले आपको lambda extract करना होगा, फिर ही तो आप exponential. वेरी गुड, सो पहले हम लोग एक लैम्डा का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे गामा डिस्ट्रीब्यूशन से, फिर उस एक लैम्डा के बेसिस में हम लोग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से कितना वैल्यूज निकालेंगे? 3000, 10 वैल्यूज निकालेंगे 3000 बार, तो पूरा प्रोसेस कैरी आउट होगा. ओके ओके, ठीक है. एंड उसको फिर हम लोग उससे हम लोग क्या निकालेंगे, ये जो 1 बाय लैम्डा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस, तो ये निकालना होगा ना.
जेड इंटू एक्स बार प्लस वन माइनस जेड इंटू दिस, ठीक है, वेयर जेड इज दिस, तो जेड ये वाला कॉन्स्टेंट है, ये लूप के बाहर भी ले सकते हैं, एन कॉन्स्टेंट है, अल्फा कॉन्स्टेंट है, तो ये लूप के बाहर चला जाएगा। फिर आपका ऐसे करके 3000 वैल्यूज आ गया। अब उस 3000 वैल्यूज का एक सिंगल मीन आपको निकालना है, वही बोला है एस्टिमेट ऑफ पोस्टीरियर मीन विथ 3000 सिमुलेशन। तो ये सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया है, हम लोग एक एक करके करते हैं। कैपिटल एम इज द नंबर ऑफ सिमुलेशन विच इज मोंटे कार्लो सिमुलेशन, इन्होंने 3000 बोला है, एन हो गया आपका 10, अल्फा या फिर ए हो गया आपका 5, एस हो गया आपका 1, पीएम बना लेंगे जो हमारा ये पीएम है पोस्टीरियर मीन, ये हम लोग बना लेंगे रिपीट 0 3000 टाइम्स या फिर, हाँ ठीक है, ये हो गया या फिर रिपीट 0 एम टाइम्स भी लिख सकते हैं, आई ये क्या हो जाएगा, पार्ट वन है ये। ठीक है, एंड जेड का वैल्यू भी कॉन्स्टेंट है विच इज एन बाय अल्फा प्लस एन माइनस वन। अब लूप बनाएंगे, चलो फॉर आई एन वन से एम, सबसे पहले तो लैम्डा का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम आर गामा, ए की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है तो 1 अल्फा कॉमा एस, अब एक वैल्यू आ गया, अब इसमें हम लोग आर ई एक्स पी एन वैल्यूज लेंगे इस लैम्डा को यूज करके, सीड वैल्यू एक काम करो बाहर लिख दो सेट डॉट सीड 2024 ताकि हम सबका सेम आंसर आए, एंड उसके बाद आपको पीएम वन का आयत में डालना है जेड इंटू, ये कैपिटल जेड लिखा था क्या मैंने, हाँ ये चीज गलत हो जाता है, जेड इंटू एक्स बार, एक्स बार कैसे निकालेंगे, मीन ऑफ एक्स, ठीक है जो एक्स आ रहा है, प्लस वन माइनस जेड कैपिटल जेड है इंटू एस बाय अल्फा माइनस वन, देख लो इसको रन कर देती हूँ, नहीं मैंने, हाँ एंड हेड ऑफ पीएम वन चेक कर देती हूँ एंड मीन ऑफ पीएम वन, दिस इज व्हाट यू वांट द आंसर, कर लो इसको। Very easy question. We have done this in class.
डन। नेक्स्ट वाला खुद से ट्राई करो तो सब लोग। करो इसको। वेरी गुड मुस्कान। डिटरमाइन एन एस्टिमेट ऑफ द पोस्टीरियर मीन एंड वैल्यू ऑफ एक्स बार व्हेन एन इज 1000 बाय इम्प्लीमेंटिंग सेम चीज है। खाली अब हम लोग को यहाँ मतलब पोस्टीरियर मीन भी चाहिए एंड वैल्यू ऑफ एक्स बार भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। ठीक है, तो बट यहाँ पे और एक चीज हो जाएगा, एन विल बी नाउ 1000। तो अपने काम करते, अपने पूरे कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं। इसको मैं एक बार देख लो, 2 कर देती हूँ, इसको n को मैं कर देती हूँ 1000। बाकी हमारा सेम है, खाली पीएम नहीं चाहिए, अब मुझे एक्स बार भी चाहिए। तो एक्स बार 1
इसमें मैं कर देती हूँ रिपीट, जीरो कितना टाइम्स, एम टाइम्स ही होगा क्योंकि एम सिमुलेशन है, तो ये हो गया एक चेंज। बाकी आपके क्या चेंजेस है, यहाँ पे पीएम आ गया, पीएम के साथ आपका एक एक्स बार भी आएगा, एक्स बार आई में अपने क्या डालेंगे, मीन ऑफ एक्स डालेंगे, ठीक है ना। तो इसको अपने रन करते हैं बेके करके, एम एन अल्फा एस पी एम एक्स बार जेड सीड वैल्यू ये ले लिया पूरा, इसका हेड चेक कर लो करना है तो, हेड ऑफ एक्स बार वन भी चेक कर लो, मीन ऑफ एक्स बार वन एंड हेड ऑफ मीन ऑफ पी एम वन। तो उस समय अपना जो भी आ रहा था चेंज करके अपने ये लिख देते हैं, थोड़ा इंक्रीज हुआ है स्लाइट, काफी क्लोज है बट दोनों। बोथ द एस्टिमेट्स आर वेरी क्लोज टू 0.253। आई हैव टेकन अ सीड वैल्यू, इफ यू हैव टेकन द सेम योर आंसर्स विल मैच, ठीक। देख लो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करते चलो पार्ट थ्री। प्लॉट द हिस्टोग्राम ऑफ द सैंपल ऑफ पोस्टीरियर मीन 1/λ एंड एक्स बार ऑब्टेन्ड इन पार्ट टू। तो दोनों का हिस्टोग्राम प्लॉट करना है जो पार्ट टू में मिला है हमें। तो क्या करेंगे, हिस्टोग्राम ऑफ पीएम वन, टाइटल क्या दोगे, हिस्टोग्राम ऑफ पोस्टीरियर मीन, ठीक है, हिस्टोग्राम ऑफ पीएम वन या हिस्टोग्राम ऑफ पीएम वन ने लिख के पोस्टीरियर मीन लिखना है। एक्स एक्सिस में क्या लिखोगे, पोस्टीरियर मीन, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक ही प्लॉट में करने बोला है क्या, ऐसा नहीं बोला है क्वेश्चन में कि प्लॉट द हिस्टोग्राम ऑफ, सेम प्लॉट एरिया में नहीं बोला है, सो इट्स फाइन। अगर आप सेम प्लॉट एरिया में नहीं भी करोगे इट्स फाइन, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स बार वन का। और अगर आपको सेम प्लॉट एरिया में करना है तो हम लोग क्या फंक्शन पास करते थे, बोलो, पार एम एफ रो, क्या होगा, 2.2, 2.2, 2.1, क्योंकि आसपास अगर प्लॉट करना है, ऊपर नीचे प्लॉट करना है तो 1/1.2, 2.1 का मतलब 2 रोज एंड 1 कॉलम, तो ये ऊपर नीचे प्लॉट होगा। अगर 1.2 करोगे तो ऐसे प्लॉट होगा, ऑल दो जरूरत है नहीं, आई एम नॉट डूइंग, ठीक है, कर सकते हैं बट आई एम नॉट डूइंग क्योंकि बोला नहीं है वन प्लॉट एरिया, बहुत एक्चुअली बहुत छोटा छोटा प्लॉट्स आ जाते हैं। तो हिस्टोग्राम इसको एनीवेज ऊपर नीचे आप पेस्ट करोगी अपने वर्ड में, तो ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है, देख लो ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है। ये आपका पीएम वन पोस्टीरियर मीन का है, ये आपका एक्स बार का है, ऑलमोस्ट सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है दोनों का।
अब पार्ट फोर में बोला है कंपेयर बाय विजुअल इंस्पेक्शन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्टीरियर मीन एंड एक्स बार व्हेन एन इज सो यू विल से दैट द डिस्ट्रीब्यूशंस लुक आइडेंटिकल या वेरी वेरी सिमिलर एंड देन यू हैव पार्ट फाइव कमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ क्रेडिबिलिटी मॉडल एज एन इंक्रीजेस. ये क्या हुआ क्या है, पहले आपका एन था 10, आपका सैंपल साइज था 10. तो जब आपका सैंपल साइज 10 होता है तो आप किस पे ज्यादा, मतलब आपका खुद का सैंपल 10 है तो आपका Z क्या होगा, छोटा आएगा. मतलब आप खुद के अपने डेटा पे कम वेटेज दोगे एंड इंडस्ट्री डेटा पे आप ज्यादा वेटेज दोगे, ये वाला पार्ट आपका ज्यादा आएगा. सो देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द पोस्टीरियर मीन एंड द सैंपल मीन एक्स बार. एज योर वैल्यू ऑफ एन सैंपल, मेरा सैंपल साइज अब इंक्रीज हो रहा है मेरे कंपनी का, तो मैं अपने सैंपल पे ज्यादा वेटेज दूंगी तो मेरा ये जो जेड है एन 1000 बाय दिस विल गो अप. एज इट गोज अप यू विल पुट मोर इम्पोर्टेंस टू योर ओन सैंपल डेटा, मतलब एक्स बार. हेंस द पोस्टीरियर मीन विल बी वेटेड मोर टूवर्ड्स द सैंपल मीन दैट यू आर गेटिंग. So as your n increases, z will increase and the weightage will move more towards x bar. Z will move. So जैसे आपका n increase हुआ ना 1000 by 1000 almost, a तो बहुत छोटा है, but तो ये a क्या है आपका, a is 5 minus 1 तो 4, तो 100 by 101, 104 basically. Z का value क्या आ रहा है देखो ना, 1000 by 1004 है ना. एन अगर 1000 होगा, अल्फा 5 है और ये 1 है तो 1004, तो इट इज वेरी क्लोज टू 1. और पहले क्या आ रहा था जेड का वैल्यू 10 बाय 10 प्लस 5 15 माइनस 14 विच इज नॉट वेरी क्लोज टू 1. सो एज योर एन इंक्रीजेस जेड इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1, देयरफॉर द मोर वेटेज गिवन टू आर सैंपल मीन विच इज एक्स बार, देयरफॉर 1 बाय लैम्डा पोस्टीरियर मीन विल टेंड टूवर्ड्स एक्स बार एज योर एन इंक्रीजेस. तो मैंने ये आपको मैथमेटिकली भी समझा दिया एंड लॉजिकली भी समझा दिया. क्लियर है तो यस लिख दो सब लोग. जो इनका एक्सप्लेनेशन है इनके सोल्यूशन में मैं खोल नहीं रही हूँ, आप लोग खोल के देख सकते हो. खाली दो लाइन लिखा है, उसका चार मार्क हमें नहीं मिलेगा, उसका चार मार्क हमें नहीं मिलेगा. चार मार्क के क्वेश्चन में एटलीस्ट चार लाइन आपको लिखने होंगे. तो आप कैसे लिखोगे, वी एक्सपेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी सेम एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, द सैंपल साइज इंक्रीजेस एंड द क्रेडिबिलिटी इज गिवन मोर टू द सैंपल मीन, हेंस द पोस्टीरियर मीन टेंड्स टू सैंपल मीन. दिस इज द लॉजिकल. एंड वैसे आप लिखोगे एज एन इंक्रीजेस जेड इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1, मोर वेटेज इज गिवन टू एक्स बार एंड 1 बाय लैम्डा इज टेंडिंग टूवर्ड्स एक्स बार. ठीक है, क्लियर, वेरी इजी. इससे इजी कुछ आ सकता है पेपर भी? बताओ आप लोग अब इजीली कैन यू ऑल टारगेट अबव 90? इफ योर टारगेट इज अबव 90 तो कहीं जाके आप गिरोगे और आप अबव 80 ला पाओगे. आपका टारगेट ही होता है अबव 70, ऐसा अबव 60 नहीं. टारगेट होगा अबव 90, 95. अबव 95 शुड बी योर टारगेट इन पेपर बी इन आर, तब जाके आपका अबव 80, 85 आराम से आएगा. Let's do it till here. इसके बाद again we'll start with the second paper. ठीक है, next paper मतलब.